नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। राष्ट्र किसान मजदूर महासंघ ने होशंगाबाद जिले की ब्लॉक बनखेड़ी में उमरदा रोड को लेकर जनपद सीओ को ज्ञापन दिया। यह रोड 2018 में कंप्लीट होना था, जो कि 2019 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। राष्ट्र किसान मजदूर महासंघ के हेमराज पटेल ने बताया कि कई बार हमारे ज्ञापन देने के बाद भी इस रोड पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है। अगर 15 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन कर हम सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर हमारी मांगे को मनाना अच्छी तरह से जानते। राष्ट्र किसान मजदूर महासंघ में शामिल प्रांतीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन पटेल, जिला बनखेड़ी उपाध्यक्ष जितेंद्र भार्गव, प्रदेश महामंत्री हेमराज पटेल एवं सभी ब्लॉक से कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। देखिए सिवनीवालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। इसमें मूल जो समस्या है रोड वाले में, तो ये है कि ये 2018 सड़क बनना था, लेकिन अब 2019 हो गया, यानी एक वर्ष हो गया, ये क्यों नहीं बन पाया? इसका एक तो पूरा कारण और रीजन, अगर इसमें मान के चलो ये कहीं ना कहीं जब नहीं बना तो इसमें तो ठेकेदार ने सरकार को भी चूना लगाया, और सरकार के माध्यम से हम जो लोग 40-45 गांव के, हमारा वाहन मिटा, आदमी इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु भी हुई है। इस रोग से ऐसी गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए दोषी कौन है? ये है आप इसका, चूंकि अब आप तो उसमें सक्षम है नहीं, लेकिन हमें इस बात का जवाब दीजिए कि एक वर्ष जो लेट हुआ रोड, इसका दोषी कौन है? और उस दोषी व्यक्ति के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई आप जरूर करें, सुनिश्चित करें। हाँ, इसमें सब लिखा है। श्रीमान जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब कोई गरीब आदमी बेचारा उमरदा जाने के लिए तैयार है, और वो पाप जो 100 रुपया नहीं, वो कैसे पहुँचे? 100 रुपया किराया ले रहे हैं, अब वो गरीब आदमी वो कहाँ से जाएगा? ये वास्तविक स्थिति ये है आदरणीय, क्योंकि प्रशासन से आप भी अवगत कराते रहे हैं। आज रोड अच्छा नहीं होने के कारण एक तो बच्चों को दिक्कत, मतलब बच्चे जब पालक वहाँ से भेजते हैं तो हमेशा रिस्क बनी रहती है एक्सीडेंट, जहाँ 20 रुपया भाड़ा लगना थी वहाँ 80 से 100 रुपया लग रहा है। यदि कोई किसान अपना वाहन लेकर माल लेके आ रहा है तो उसका डबल से ट्रिपल खर्च हो रहा है। यानी हमें इसमें सीधा सा कारण ये है कि जब प्रशासन को पता था कि ये 2018 तक रोड कम्प्लीट होने के आपके बाद, हाँ, अनुविभागीय अधिकारी महोदय को पहुंचा दूंगा, उन्हीं का फोन आया था कि आप मेरी तरफ से ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। जो आप लोग जो हम लोग मौके बोल रहे हैं, आप इसको भी बोल दीजिए, इसको भी आप बता दें। आज उमरदा रोड पर 4 साल से यहाँ पर भयंकर दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इन भाइयों को देखिए जरा, ये विकलांग है और इनका डेली प्रशासनिक मुख्य कार्यालय बनखेड़ी में हुआ करता है, यहाँ डेली आना जाना होता है, यहाँ डिलीवरी वाली कई महिलाओं को दिक्कत हुई है, कई बीमार लोगों को परेशानियां हुई हैं, कई किसान खाद लेके नीचे गिर गए, किसी का डीजल बगड़ गया, किसी किसान के घर में अगर रसोई है तो उसके घर में आज मेहमान नहीं पहुँच पा रहे, ऐसी अनेकों अनेक समस्याओं से यहाँ के क्षेत्रवासी पीड़ित हैं। और इन समस्या को लेकर हम 22 किलोमीटर ये पैदल पदयात्रा निकाली है, जिसमें ये भाई हमारे साथ आए हैं, विकलांग सेवा समिति से हैं ये लोग, और यहाँ का जन आदमी आक्रोशित है और बहुत दुखित है। इस समस्या का निराकरण किया जाए, वोट के बदले हमें अब रोड चाहिए, बस ये हमारा कहना। सर, महासंघ ने किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? ये उमरदा रोड का संबंध में है, सालों से बना नहीं है, उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। एडीएम साहब का फोन आया था मेरे पास कि मेरी तरफ से आप ज्ञापन ले लें, क्योंकि उधर मंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी के ज्ञापन के लिए मैं आया हूँ। अभी एडीएम साहब को मैं वो ज्ञापन दे दूँगा।